क्लास 12 का हम लोग आज पहला क्लास कर रहे हैं। क्लास 12 में जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे वही सेम सब्जेक्ट है। एक बार बोल दे रहे, हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही, बुक अलग से नहीं लेना है क्योंकि उसी में है। क्लास 12 का पढ़ाई उसी में है, कंटेंट में देख लीजिएगा। इंग्लिश भी आपको उसी में, माना जो बुक आपको मिला है उसी में है। समझ गए क्या बोले? उसके बाद क्या भाई, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। ऑप्शनल में किसी का CSTX होगा, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, या कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा, या कुछ लोग EBS लेते हैं तो INBS होगा। यही हम लोगों को पढ़ाई करना है क्लास 12 में भी। क्लियर है क्या? पक्का? रूटिंग लिख दिए हैं, इसी रूटिंग से पढ़ाई होगा। जो रूटिंग हम लोग का 11 में था वही सेम रूटिंग को रिवाइज कर दिए हैं, मानो उसी रूटिंग से पढ़ाई होगा। समझ गए क्या बोले? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल 4 दिन क्लास है, 1 दिन और क्लास पढ़ाया जाएगा संडे को CST। सुनिएगा ध्यान से, हम लोग आज के क्लास में कर रहे हैं BS स्टडी। क्या कर रहे हैं भाई? BS स्टडी माने बिजनेस स्टडी। BS स्टडी माने बोलो, जोर से बोले, जोर से बोलिए। तो BS स्टडी में दो पार्ट है, पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए में टोटल 8 चैप्टर और पार्ट बी में टोटल 4 चैप्टर, माने टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है। पार्ट ए से 45 मार्क्स का आएगा जिसमें 8 चैप्टर है, और पार्ट बी से 35 मार्क्स का आएगा जिसमें 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये पार्ट ए में है। पार्ट बी में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्लियर? ये हम लोग का सिलेबस है। किसका सिलेबस है भाई? BS स्टडी। किसका सिलेबस है? क्लास 12 का सब्जेक्ट का नाम बताओ। पहला क्या कर रहे हो? BS स्टडी। क्या कर रहे हो? तो BS स्टडी का पूरा फुल फॉर्म क्या भाई? बिजनेस स्टडी। क्या है? देखिए आप कंटेंट देख पा रहे हैं, ज़्यादा इसमें मैनेजमेंट है, ज़्यादा इसमें क्या दिखाई दे रहा? तो क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडी है इसका नाम मैनेजमेंट स्टडी रहता तो ज़्यादा बेटर होता। मैनेजमेंट स्टडी होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक तो मैनेजमेंट के ऊपर है, इक्का दुक्का को छोड़ के। समझे क्या बोले? खैर जो सब्जेक्ट का नाम है वो है, बात खत्म। क्लास 11 का बिजनेस स्टडी में हम लोग सीखे थे कि बिजनेस कैसा कैसा होता है, बिजनेस के लिए रुपया का जुगाड़ किधर से करें। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अपने देश में बिजनेस कैसा कैसा होता है, किस तरीक़े से करें, ई कॉमर्स में बिजनेस को ले जाना है तो कैसे ले जाएं, बिजनेस का सामाजिक जिम्मेवारी क्या है, दूसरे देशों से हम कीना बेची करें तो कैसे करें, ये तमाम चीज़ हम लोग सीखे थे। कहाँ पे? क्लास 11 में। क्लास अभी हम लोग किसका बेस स्टडी कर रहे हैं भाई? क्लास 12। क्लास 12 के बिजनेस स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस को चलाया कैसे जाए, बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाए, बिजनेस को कंट्रोल कैसे किया जाए, बिजनेस को चलाया कैसे जाए, मैनेज कैसे किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए। ये तमाम चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे भाई? क्लास 12 के बिजनेस स्टडी में। क्लियर है? पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जोर से बोलो, जोर से बोलिए, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से? 5 मार्क्स। कितना मार्क्स? यहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे भाई? MCQ और SAQ। MCQ माने प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन टिक लगा दीजिए जो सही है, और SAQ का मतलब एक वर्ड में आंसर दीजिए या तो एक लाइन में दीजिए, जिसको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्लियर है क्या? तो पहला चैप्टर कह रहे हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जोर से बोलो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला लाइन है लिखे हम लोग कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो, माने किसी भी चीज में से अगर आप मैनेजमेंट को माइनस कर दीजिएगा तो रिजल्ट क्या चीज का निकल के आएगा? जीरो का। क्या चीज का? जीरो। तो एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। किसी भी चीज में से मैनेजमेंट को हटा दीजिए तो रिजल्ट जीरो आता है। रिजल्ट क्या आता है? जीरो। मतलब हर जगह मैनेजमेंट चाहिए, इसका मतलब यही हुआ एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज जीरो। किसी भी चीज में से मैनेजमेंट को माइनस कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आ रहा है? जीरो। तो एनीथिंग माने क्या? कहीं भी, कहीं पे, सब जगह मैनेजमेंट का दरकार है, क्योंकि हटाते ही रिजल्ट क्या हो जा रहा? जीरो। क्लियर है क्या? अब प्रश्न आता है कि आखिरकार ये मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट का मतलब होता है काम को सही ढंग से मैनेज करना, काम को सही ढंग से करना,
सही ढंग से मैनेज करना, सही ढंग से करना, सही ढंग से काम को करवाना, सही ढंग से काम को मैनेज करना, सही ढंग से काम को करना, सही ढंग से काम को करवाना, जिससे हमारा जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा गोल है, वो क्या हो जाए, पूरा हो जाए। क्या हो जाए बोलिए। इसलिए हम लोग क्या क्या करते हैं भाई, मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क। बोलो क्या बोलो, फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, फॉर द अचीवमेंट ऑफ, शुरू से बोलो क्या बोले, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क, मैनेजमेंट मीन्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, शुरू से बोलो, मैनेजमेंट मीन्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, मैनेजमेंट मीन्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ, कितना सिंपल एकदम, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ। मैनेजमेंट का मतलब काम को मैनेज करना, काम को सही ढंग से करना, सही ढंग से करवाना, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, पूरा हो जाए। क्लियर। दूसरे भाषा में एक डेफिनेशन लिखे हुए हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट काम करवाने का एक कला है, मैनेजमेंट काम करवाने का एक क्या है, जो कि आप अपना काम हम लोग किसी और के जरिए, दूसरों के जरिए अच्छे ढंग से करवा लेते, अच्छे ढंग से क्या करते हैं, करवा लेते। तो मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज एन आर्ट। बोलो क्या बोले, मैनेजमेंट में बी डिफाइन एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट काम करवाने का क्या है, कला है, जिसके जरिए हम लोग काम को करवा लेते हैं थ्रू अदर्स, किसी और के जरिए, समझ पा रहे। तो मैनेजमेंट में क्या है भाई, काम करवाने का आर्ट है, काम को करवाने का आर्ट है, जिससे कि अपना काम किसी और से बेहतरीन ढंग से हम करवा लेते हैं। क्लियर है क्या। तो मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट। बोलो क्या बोले, मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, थ्रू, शुरू से बोलो, मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट, मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, थ्रू, शुरू से बोलो क्या बोले, मैनेजमेंट में भी डिफाइन एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। क्लियर है क्या। पहला डेफिनेशन क्या बोले बताओ, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज द वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ। दूसरे भाषा में क्या बोला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। क्लियर, पक्का, आगे बढ़े हम लोग, बोलिएगा तब तो। नेक्स्ट हम लोग का है भाई, दो ठो वर्ड दिए हैं, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। बोलो क्या बोले, इफेक्टिवनेस माने क्या होता है, इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, समय से काम को पूरा कर देंगे, समय से काम को कर देंगे, इसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। क्या कहते हैं, समय से काम कर देंगे, इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी का मतलब होता है कि समय से काम करेंगे विथ मिनिमम वेस्टेज, नो वेस्टेज, कुछ बर्बाद बिना किए हुए, कुछ नुकसान बिना किए हुए, समझ पा रहे हैं, आपका समय से काम कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। क्या कहते हैं, सस्ते दामों पे करेंगे कंप्लीट, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। जैसे मान लीजिए, देखिए मम्मी खाना बनाती है, लोग तो एक चावल का दाना गिरने नहीं देगी, एफिशिएंसी है भाई, कुशलता है, देरी कर रही है, लेकिन वही हम लोग करने जाएंगे नया नया तो नुकसान करेंगे, बना तो देंगे बट क्या करेंगे हम लोग, नुकसान कर देंगे, समझ रहे हैं। तो हम लोग जो कंप्लीट करेंगे वो क्या, इफेक्टिवनेस है, मम्मी जो करेगी वो क्या है, एफिशिएंसी। क्लियर। तो इफेक्टिवनेस माने काम समय से हो जाएगा, पैसा हो सकता है ज़्यादा लगे, कुछ बर्बादी जाए, बट काम समय से हो जाएगा, इसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। क्या कहते हैं, एफिशिएंसी माने वर्क कंप्लीशन विथ टाइम, ऑन टाइम, विथ मिनिमम कॉस्ट, सस्ता में होगा, नो वेस्टेज, कुछ बर्बाद नहीं करेंगे, सेव टाइम, समय भी बचा देंगे, इसको कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं, आगे बढ़े बोलिए। नेक्स्ट हम लोग का मैनेजमेंट का फीचर्स क्या हो सकता है, विशेषता क्या हो सकता है, मैनेजमेंट का मतलब तो समझ ही गए कि काम को करना करवाना, समझ पा रहे, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो इसका विशेषता क्या है, तो पहला विशेषता, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। बोलो क्या बोले, मैनेजमेंट इज अ कौन सा ओरिएंटेड, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, उद्देश्य का पूर्ति के लिए हम लोग मैनेजमेंट को करते हैं, उद्देश्य का पूर्ति के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट को करते हैं। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव एंड यूनिवर्सल। मैनेजमेंट क्या भाई, परवेसिव है, परवेसिव माने इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एंड ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, परवेसिव या उसे कहते हैं यूनिवर्सल, ये सब जगह लागू है, मैनेजमेंट सब जगह लागू है, समझ पा रहे, हमारे जीवन से लेकर के मृत्यु तक, हमारे जीवन से लेकर हर जगह मैनेजमेंट है, हर जगह। आपको क्या लगता है, चाय वाला चाय बेच रहा है, उसके जीवन में मैनेजमेंट है या नहीं,
मैनेजमेंट है जलसा भी, तो समय से खुलता है, समय से बंद करता है, समय से चाय बनाता है, समझ रहे? आपको क्या लगता है कि मोदी दुकान, जो मोदी दुकान चला रहा है, उसके लाइफ में मैनेजमेंट है या नहीं? है। समय से खोलना, समय से मार्केटिंग कर लेना, समय से बंद करना, समझ पा रहे? तो इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट इज ऑल प्रोग्रेसिव। ये हर जगह लागू है, आपके जीवन में भी, समझ पा रहे? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है घर में, तो उसका मैनेजमेंट चालू हो जाता है, चालू होता है कि नहीं? जो हम लोग का रस्म है उसको निभाते हैं, फिर बर्थडे मनाया जाता है, चालू हो जाता है मैनेजमेंट, समझ रहे? तो यह हर जगह लागू है, आप किसी भी सेक्टर में उठा लीजिए, क्रिकेट के ग्राउंड से लेकर के एवरीवेयर। क्रिकेट के ग्राउंड में क्या मैनेजमेंट लागू होता है या नहीं होता है? क्रिकेट तो देखते हैं आप लोग, वहाँ मैनेजमेंट है या नहीं? है ना मैनेजमेंट? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? 3 घंटे में मैच कंप्लीट करना माना 3 घंटा, 6 घंटे में मैच कंप्लीट करना माना 6 घंटा, 5 मिनट भी लेट हुआ तो पेनल्टी लगा दिया जाता है, 5 मिनट भी अगर लेट हो गया तो पेनल्टी लगा दिया जाता है। देखते हैं टी ट्वेंटी 3 घंटे में कंप्लीट होना है, पक्का 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वहाँ भी लागू है। अगर वहाँ मैनेजमेंट नहीं होता तो हारने वाला टीम क्या बोलता है? रुक थोड़ा सोचने दो, अभी हारने वाला टीम बैठ कर आराम करता है, रुको थोड़ा सोचने दो। क्या ऐसा कर सकता है? क्या हारने वाला टीम ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? मैनेजमेंट है भाई, आपको समय से करना होगा। आप हार रहे तो हारिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीत रहे तो जीतिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर? मैनेजमेंट इज पारदर्शी, हर जगह लागू है, समझ पा रहे? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार होना चाहिए। ये जिस दिन रुक जाएगा उस दिन आपका काम भी रुक जाएगा। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये लगातार होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? किसका बात कर रहे? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लगातार होना चाहिए। जीने के लिए दिल का धड़कना जरूरी है। जिस दिन बंद उस दिन टिकट कन्फर्म, जिस दिन बंद उस दिन टिकट, नहीं समझे? है कि नहीं? धड़कन बंद हो जाएगा तो आदमी जीता है कि मर जाता है? बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो डेली धड़कन चाहिए ना, तो वैसे मैनेजमेंट है। बिजनेस का जो धड़कन होता है वो क्या? मैनेजमेंट है। ये लगातार होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? नहीं समझे? और कहावत में तो बोलते ही हैं लोग, कितना लड़का लोग नहीं बोलता है कि मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, मरना चाहिए तो तब रख, जिस दिन रुक जाएगा उस दिन टिकट बुक हो जाएगा, जिस दिन रुक जाएगा उस दिन टिकट बुक हो जाएगा। वो तो धड़के का ही कंटिन्यूस प्रोसेस है, नहीं समझे? आइए, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मैनेजमेंट इज कौन सा प्रोसेस? कंटिन्यूस, कौन सा? ये लगातार होना चाहिए। आगे बढ़े, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज अ काम को सही ढंग से मैनेज करोगे ना तो आपको मैसेज देगा, ये बदलाव लाना चाहिए, ऐसे काम को करना चाहिए, समझ पा रहे? ये चेंजेस करना चाहिए, आपको मैसेज देगा, इसको कहते हैं डायनामिक फंक्शन। क्या कहते हैं? आप लोग देखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा ना तो आपको एक तो मैसेज मिलेगा, ये चैप्टर छूट रहा है, इसका थोड़ा कमजोर ठीक से नहीं हो रहा है, तो आप उस पर ध्यान देने लगेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोले? सही ढंग से पढ़ाई करिएगा तो आपका काम आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, आपका काम आपको, समझ रहे? तो काम को सही ढंग से मैनेज करिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, इसको कहते हैं डायनामिक फंक्शन। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कौन सा फंक्शन? डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट साइंस भी और आर्ट भी, साइंस भी और मैनेजमेंट साइंस है। क्या बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है? नहीं, मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस, मैनेजमेंट इज अ समाज का ये साइंस है, समझे? मैनेजमेंट इज अ कौन सा साइंस? और आर्ट कैसे है? लोग अपने अपने ढंग से मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट एक तो काम करवाने का कला है, काम को करने का कला है, लोग अपने अपने ढंग से काम को मैनेज करते हैं, काम को करते हैं, करवाते हैं, समझ रहे हैं? तो मैनेजमेंट साइंस भी और क्लियर है क्या? तो मैनेजमेंट का फीचर्स क्या, पहले बताओ, पहला क्या, दूसरा प्रोग्रेसिव फंक्शन, तीसरा कंटिन्यूअस, चौथा डायनेमिक, पांचवा साइंस और आर्ट, क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, प्रोग्रेसिव है, मालूम है ना? देखिएगा, कोई आपको मान लीजिए कोई प्रोग्राम ही करना है, बर्थडे पार्टी ही देना है, तो आपको ढंग से मैनेज करना पड़ता है। ढंग से नहीं मैनेज करेगा तो लोग गाली दे के देगा, क्या बर्थडे मनाया, समझ नहीं आया, नहीं समझे? या कितने लोग शादी का प्रोग्राम सही से नहीं मैनेज करते हैं, तो हम लोग जाते हैं लेकिन खाऊ के बोलते सारा ठीक से नहीं बनाया था, बेकार कर दिया, मैनेजमेंट ठीक नहीं था, मैनेजमेंट बोल के आते हैं ना, लेकिन वही सब कुछ सिस्टम में रहेगा तो आप क्या बोलते हैं?
जो भी कहो, मैनेजमेंट जो किया था अच्छा किया था, मैनेजमेंट का मतलब सब कुछ ठीक था, सिस्टमेटिक था, अच्छे से काम हुआ था। तो परवेसी में शादी ब्याह हर जगह लागू होते हैं, समझ गया। तो फीचर्स आराम से लिख दीजिएगा कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज परवेसिव, कंटिन्यूअस, डायनामिक, साइंस एंड आर्ट। क्लियर, आगे बढ़े। हर चीज को करने के पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, तो मैनेजमेंट को करने के पीछे भी ऑब्जेक्टिव है। मैनेजमेंट का तीन ही ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट को करने के पीछे तीन ही ऑब्जेक्टिव है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बोलो क्या बोलो, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, बोलो क्या बोले, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, जोर से बोलो। मैनेजमेंट का कितना ऑब्जेक्टिव है भाई, तीन। कितना ऑब्जेक्टिव, कौन कौन, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल, बोलो क्या बोले, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट कहता है कि थिंक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, थिंक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए, अपने संगठन के बारे में सोचिए, अपने अपने बारे में नहीं सोचना, किसके बारे में सोचना है, अपने संगठन के बारे में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचिए कि उसको सर्वाइव कैसे किया जाए। सर्वाइवल, सर्वाइवल माने इतना कमा लिया जाए कि बिजनेस चल जाए, माने बिजनेस का खर्चा उठ जाए, बिजनेस का खर्चा, इसको कहते हैं सर्वाइवल। क्या कहते हैं, समझ पा रहे, बिजनेस को शुरुआत में बड़ा नहीं करना है, सिर्फ खड़ा करना है, उसको सर्वाइवल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आप लोग को भी शुरुआत में खड़ा ही किया गया था, मम्मी लोग हम सभी को पहले खड़ा किए, खड़ा मैंने तेल लगा होगा कि एकदम टाइट करके पाँव खड़ा कराया गया, उसके बाद दौड़ना हम लोग खुद सीख गए, बड़ा धीरे धीरे हो गए। तो वैसे ही बिजनेस है भाई, बिजनेस को शुरुआत में क्या करना है, खड़ा करना है, बड़ा खड़ा हो जाएगा ना तो बड़ा धीरे धीरे हो जाएगा। किसका बात करें, सर्वाइवल, किसका, तो सोचना है कि सर्वाइव कैसे हो जाए, मैंने शुरू शुरू बिजनेस में मलगोबा नहीं मिलेगा, मलगोबा माने लाभ, मलगोबा माने लाभ के चक्कर में मत पड़िए, खर्च उठ जाए वही काफी, खर्च उठ जाए वही नेक्स्ट है प्रॉफिट, उसके बाद तो प्रॉफिट होगा भाई, सर्वाइवल के बाद तो प्रॉफिट ही आता है। प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। क्यों करते हो, प्रॉफिट के लिए बिजनेस क्यों करते हो, तो प्रॉफिट तो होगा, प्रॉफिट तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। और लास्ट में है ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब सेल बढ़ना चाहिए, एम्प्लॉय का संख्या बढ़ना चाहिए, एक ब्रांच से दो ब्रांच होना चाहिए, इसको कहते हैं ग्रोथ। क्या कहते हैं, सेल बढ़ गया, एगो स्टाफ काम करता था अभी 20 स्टाफ काम कर रहा है, एगो ब्रांच था अभी 5 ब्रांच है, समझ रहे, तो इसको कहते हैं ग्रोथ। क्या कहते हैं, तो सबसे पहले किसके बारे में सोचना, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसके बारे में, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचना भाई, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, जोर से बोलो, जोर से बोले, जोर से बोले। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट क्या है, समाज के बारे में सोचिए, समाज के लोगों के बारे में सोचिए। क्या सोचा जाए समाज के बारे में, कि फ्री में माल दे दिया जाए, नहीं, सोशल ऑब्जेक्टिव में सोचना समाज के प्रति यही है कि प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रिजनेबल प्राइस, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रिजनेबल, बढ़िया प्रोडक्ट देना है उचित दाम पे, बढ़िया प्रोडक्ट देना है उचित दाम पे, ये पहला कोशिश होना चाहिए। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, नौकरी का लोगों को मौका दे दो, समझ पा रहे, समाज को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट का दरकार है तो सपोर्ट कर देंगे, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं भाई, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो समाज के लोगों का ख्याल रखिए, नहीं समझे, अब आप मेरे पास आए पढ़ने के लिए तो हमको तो सोशल ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना ही होगा, समझ पा रहे, सोशल ऑब्जेक्टिव का ध्यान यही रखना होगा कि अपना आपका पढ़ाई अच्छे से हो, फर्स्ट आपका पढ़ाई अच्छे से, और सेकंड आप आए हैं, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, तो आपके साथ कुछ यहाँ गलत ना हो, जैसे झगड़ा कर लेना, कुछ बोल देना, बच्चा लोग कर ही लेता आपस में ना, ये सब ना हो, और हमारा बिहेवियर आपके प्रति सही हो, हमारा बिहेवियर आपके प्रति, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है भाई, सोशल ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, क्या भाई, पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहता है कि थिंक अबाउट योर एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचो, समझ पा रहे, कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, कॉम्पिटिटिव उचित सैलरी दो, पीआर रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, अब आपके यहाँ काम आया, काम करने आया तो आप नौकर मत समझने लगिए, नौकर के तरह ट्रीट मत करिए, पीआर रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट दीजिए, समझ पा रहे, गुड वर्किंग कंडीशन, काम करने का अच्छा जगह दीजिए,
ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? पर्सनल। कौन सा? अपने एम्प्लॉय के बारे में सोचिए। एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचिएगा ना तो एम्प्लॉय हाथ से नहीं काम करेगा, पांव से काम करेगा। पांव से काम करेगा महंगा पड़ेगा, पांव से काम करेगा समझे। मान लो ये बालक को हम सरकार लिए कि 500 का महीना देंगे काम करो, और काम करने के लिए रेडी है, काम किया तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उसका जिस दिन महीना लगे उस दिन 500 मिलना चाहिए। नहीं समझे, समय पे काम करने आया तो उसको इज्जत मिलना चाहिए और गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छा जगह देंगे काम करने के लिए। नहीं समझे, ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा? आगे बढ़े बोलिए। तो आप मैनेजमेंट के कितना ऑब्जेक्टिव है? तीन। कौन कौन? ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। जोर से बोलिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना? तीन। सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। बोलो क्या बोले। मैनेजमेंट की इंपोर्टेंस क्या हो सकता है बताइए तो? इंपोर्टेंस अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंक्रीज एफिशिएंसी, काम का क्षमता बढ़ा देता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। ये मैनेजमेंट का क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? तो अचीवमेंट ऑफ गोल, गोल अचीव हो जाएगा। अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज क्या? काम का क्षमता को बढ़ा देता है। काम का क्षमता क्या करता है? ये मैनेजमेंट का क्या है भाई? इंपॉर्टेंस क्या है? आगे बढ़े हम लोग। मैनेजमेंट साइंस कैसे है पूछता क्वेश्चन है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ, तो आपको बता दें मैनेजमेंट बायोलॉजी और प्योर साइंस नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। मैनेजमेंट इज अ, मैनेजमेंट कौन सा साइंस है भाई? सोशल साइंस। जोर से बोलो। मैनेजमेंट कौन सा साइंस है? सोशल साइंस। कौन सा साइंस? समझ पा रहे? अब साइंस कैसे है ध्यान से समझिए। साइंस इसलिए क्योंकि साइंस को करने के लिए क्या चाहिए? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज तो चाहिए ना साइंस को करने के लिए। तो आपको क्या लगता है मैनेजमेंट अंडू पंडू करेगा? अंडू पंडू को उठा लाओगे मैनेजमेंट कर देगा? अच्छा अंडू पंडू वाला आएगा तो अंडू पंडू वाला मैनेजमेंट लगाएगा? नहीं समझा, माने घटिया लोग, घटिया लोग घटिया मैनेजमेंट लगाएगा, बर्बाद करके रख देगा। समझा? तो मैनेजमेंट को करने के लिए क्या चाहिए? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस को करने के लिए भी चाहिए नॉलेज, नॉलेज वाला लोग। समझ पा रहे? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंस में जो भी दिया गया है साइंस के तौर तरीके से ऑब्जर्व करने के बाद दिया गया है। समझ पा रहे? तो वैसे ही मैनेजमेंट 33 साल एक्सपेरिमेंट हुआ था। मैनेजमेंट को 32 साल हेनरी सोल ने एक्सपेरिमेंट किया था, एफ डब्ल्यू टेलर ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, पीटर ड्रकर ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था। समझ रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तब जाके मैनेजमेंट बना। तो ये भी तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के साथ है। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस में जो भी देते हैं निरीक्षण के बाद देते हैं, जांच पड़ताल करने के बाद। तो मैनेजमेंट भी तो एक्सपेरिमेंट के बाद ही आया। मैनेजमेंट भी आया तो कैसे है भाई? एक्सपेरिमेंट के बाद। तो कह सकते हैं मैनेजमेंट साइंस है क्योंकि साइंस का लक्षण मैनेजमेंट में मिलता है। साइंस का लक्षण मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट को करने के लिए क्या चाहिए? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस को भी करने के लिए चाहिए सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन साइंस में भी होता है और मैनेजमेंट में भी है। एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस में जो भी दिया गया एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो मैनेजमेंट भी तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही आया था। समझ रहे हो क्या क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? यूनिवर्सल वैलिडिटी साइंस, यहाँ पे कोलकाता में जो बोल रहा है ना वही साइंस बिहार के लिए सेम लागू होगा, दिल्ली के लिए सेम साइंस लागू होगा। साइंस बोला कि जो मांस मछली खाते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्निवोरस। ये बोलते हैं ना, बचपन का भरा याद करो, जो खाली मांस मछली खाता है वो क्या है भाई? कार्निवोरस। और जो खाली साग सब्जी घास भूसा खाता है उसको क्या कहता है? हर्बीवोरस। और जो दोनों खाता है ओमनिवोरस। जो दोनों खाता है, मांस मछली भी खाया साग सब्जी भी खाया, उसको क्या कहते हैं? ओमनिवोरस। क्या कहते हैं? समझ पा रहे क्या बोले? जैसे हम लोग ओमनी वाला है, इसमें कोई खाली हर्बी होगा जो खाली भेज खाता होगा, समझा? और कुछ लोग खाली मांस खाएगा, वो क्या हो गया? कार्नी। क्या हो गया? समझ। साइंस कोलकाता के लिए बात बोला तो बिहार के लिए भी तो सेम ही बात है, दिल्ली के लिए तो सेम ही है डेफिनेशन। नहीं समझा? तो मैनेजमेंट भी वैसा ही है, मैनेजमेंट कोलकाता के लिए जो है वही बिहार के लिए, यूनिवर्सल वैलिडिटी रखता है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या है भाई? साइंस है क्योंकि साइंस का लक्षण मिलता है, साइंस का लक्षण मिलता है। समझ गए? तो मैनेजमेंट साइंस कैसे है? सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, फिर क्या बोले? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, फिर क्या? एक्सपेरिमेंटेशन,
और क्या यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्लियर है क्या? पक्का? थोड़ा सा लिख लेते हैं जितना लेक्चर किए। Thank you.